तो जैसा कि आज हम सभी लोग को आपको समझाने वाले हैं, जैसे मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन आया है, ये MI कंपनी का मोबाइल फ़ोन है और इसका शायद मॉडल नंबर है MI 4X, BM 47 लगे ना, तो MI 4X मोबाइल फ़ोन है। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जैसे इसमें स्टूडेंट ने कॉम्बो डाला हुआ है, कॉम्बो डालने के बाद प्रॉब्लम ये है कि इसमें भैया पासवर्ड लग गया। पासवर्ड लगने का मतलब क्या है कि मतलब पैटर्न लॉक लग गया। अब पैटर्न लॉक कस्टमर को नहीं पता, या पैटर्न लॉक तो छोड़ो, इसमें FRP लॉक लग जाए या कोई भी लॉक लग जाए, उसको कैसे रिपेयर करेंगे, हम उस चीज़ के बारे में आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। सबसे पहली बात क्या, जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने मोबाइल फ़ोन की शॉप चला रहे हैं या मोबाइल फ़ोन की दुकान काम कर रहे हैं, अगर उनको सॉफ्टवेयर के रिलेटेड बेसिक प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है, तो मेरा नंबर है ये 6391711711। इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो लोग नए ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक सॉफ्टवेयर के लिए थोड़ा सा बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं या मोबाइल फ़ोन के अंदर आने वाली समस्या को लॉक तोड़ना सीखना चाहते हैं, पासवर्ड तोड़ना हो गया, या MI, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी कोई भी मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन को लॉक खोलने का तरीका सीखना चाहते हैं, या फ़ोन को फॉर्मेट करना सीखना चाहते हैं, नया सॉफ्टवेयर डालना सीखना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आए उसे सीखना चाहते हैं, तो एक अपना डोंगल आती है EMT डोंगल। ये एक छोटी सी डोंगल होती है, इससे आप बहुत बेहतर और अच्छा शुरुआत कर सकते हैं। ये मात्र डोंगल जो रहती है 3500-3600 रुपये की डोंगल आती है EMT प्रो नाम से, तो इसे आप परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के बाद कोई भी मोबाइल फ़ोन होते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन के अंदर लॉक को खोल सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। जैसे मेरे पास आज ये मोबाइल फ़ोन है, ये MI का फ़ोन है, इसके अंदर पैटर्न लग हुआ है। अब इसको लॉक खोलने के लिए हम आपको पूरा एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। आप देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है, आप इसकी बैटरी को अलग कर लीजिए। फिर हमने क्या करना है, डोंगल लगाना है। अब इधर आइए, सर को इधर से दिखाइए सभी लोगों को, ये देखिए ये हमने डोंगल लगा दिया। जो भी सारे स्टूडेंट हैं सीखने वाले, वो डोंगल को अपने घर बैठे मंगा सकते हैं। घर बैठे मंगाने के बाद आप उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग का कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता। अगर खाली EMT का ट्रेनिंग लेंगे तो मुझे लगता है कि 2500-3000 रुपये समथिंग खर्चा आता है, और आप 5000-6000 रुपये में सॉफ्टवेयर के मास्टर बन जाएंगे कि सॉफ्टवेयर में कोई भी फ़ोन आएगा, सारे फ़ोनों को लॉक खोलने का तरीका आप सीख जाएंगे। तो मैंने क्या किया, डोंगल लगा दिया। डोंगल लगाने के बाद ये हमारे पास, जैसे देखा, ये हमारे पास MI का मोबाइल फ़ोन है, तो सबसे पहली बात हमको देखना पड़ता है कि इसके अंदर CPU कौन सा लगा है। तो MI के अंदर ज़्यादातर मोस्टली क्वालिकॉम CPU आते हैं, और आप चाहो तो गूगल से भी ये भी निकाल सकते हो कि MI 4X CPU टाइप, तो बता देगा कि इसके अंदर क्वालिकॉम CPU है। जब क्वालिकॉम CPU हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले QC फायर को ओपन करेंगे। ये QC फायर जो टूल्स रहता है, जितने भी सारे जिसके अंदर क्वालिकॉम CPU लगे होते हैं, उनको क्या काम करता है, ये रिपेयर करता है, फ्लैश करता है, अनलॉक करता है, FRP तोड़ता है, MI अकाउंट को रिमूव करता है। ये जितने भी सारे काम होते हैं, सारे काम के लिए QC फायर का हम इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, हमारा टूल ओपन हो गया। इस टूल ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, इसको ऐसे साइड में हमने रख लिया। साइड में रखने के बाद आपको क्या करना है, माई कंप्यूटर में जाना है। माई कंप्यूटर के अंदर आपको मैनेज में जाना है। मैनेज के अंदर ऑप्शन आता है डिवाइस मैनेजर का, ये डिवाइस मैनेजर भी ओपन कर लेना है। ये हम इसलिए कनेक्ट ओपन कर लेते हैं ताकि हमारा कोई भी मोबाइल फ़ोन है, जब कनेक्ट होगा तो यहाँ पर दिखाएगा, ये दिखाएगा कि फ़ोन हमारा कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है। जब तक आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं होगा तो आप कभी भी ज़िंदगी में उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, तो लॉक तोड़ सकते हैं, ना फ्लैशिंग कर सकते हैं, अनलॉकिंग कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, फ़ोन को कनेक्ट कराएंगे। फ़ोन कैसे कनेक्ट कराएंगे, आपने देखो डाटा केबल हमने लगा रखी है। डाटा केबल लगाने के बाद आप ओरिजिनल डाटा केबल का इस्तेमाल करें। अब ये फ़ोन जो होता है हमारा क्वालिकॉम CPU होता है, EDL मोड से कनेक्ट होगा। किससे कनेक्ट होगा, EDL मोड से कनेक्ट होगा। EDL मोड से कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, बैटरी को हटा लो पहले, फिर कनेक्ट करके देखो। अगर इससे नहीं कनेक्ट होता तो बैटरी के लगा कर कनेक्ट कर दो। अगर इसमें देखेंगे तो इसके ये दोनों पॉइंट EDL पॉइंट हैं, हमें पता हुआ है। आप लोगों को नहीं पता होता तो MI 4X EDL पॉइंट ऐसा करके सर्च करेंगे तो गूगल पे खुल जाएगा। ये दोनों पिनों को आपको लेना है, ऐसे टच कराना है। जैसे दोनों पिन को इंसर्ट करेंगे तो देखिए, अगर आप देखेंगे वहाँ पर ऐसे ऐसा पोर्ट बन के आया, यहाँ पर आपका फ़ोन कनेक्ट हो गया। बता रहा ना कि ये मेरा मोबाइल फ़ोन कनेक्ट हो गया है। ये देखिए पोर्ट का ऑप्शन बन के आ गया कि आपका फ़ोन कनेक्ट हो गया। अब आपका फ़ोन कनेक्ट हो गया, फिर आप जाएंगे इसमें रीड एंड टूल में जाएंगे। रीड एंड टूल में जाने के बाद यहाँ पर आप जेनेरिक क्वालिकॉम को सिलेक्ट कर लेंगे, कोई भी मॉडल है। अब मुझे क्या करना है, इस पर फॉर्मेट करना है।
क्या करना भैया, फॉर्मेट करना। तो यहाँ पर फॉर्मेट fs को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट fs को सिलेक्ट करने के बाद और ज़रा नज़दीक पास से दिखाइए, हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट fs को सिलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट fs को जब आप सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए आप लोगों को प्रॉपर अब दिख रहा होगा, मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ। फॉर्मेट fs को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर गए, यहाँ पर आपने फॉर्मेट fs को सिलेक्ट कर लिया। फॉर्मेट fs को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या कर देना है, एग्जीक्यूट कर देना है ऐसे। वो क्या कहता है, डू यू वांट टू सेव फॉर्मेट, आप फोन को फॉर्मेट करना चाहते हैं? हाँ भैया, फॉर्मेट करने की तो आया ये, फॉर्मेट करना चाहते हैं, यस कर दीजिए। जैसे यस करेंगे, देखिए आपका आगे का पूरा डिटेल खुलेगा, तुरंत बता देगा कि इसके अंदर स्वीकेंड ओके, ये आपकी फॉर्मेटिंग चालू हो गई। ओके, इस सॉफ्टवेयर डोंगल के द्वारा किसी भी मोबाइल फ़ोन का तो लॉक खोल सकते हैं आसानी से, एमआई का तो बादशाह है ये। अब डिटेक्टिंग चिप, मतलब इसने चिप को पकड़ लिया, ओके कर दिया, ये देखिए फॉर्मेट हो गया। अब आपका वो जो यूजर डाटा को क्या कर दिया, फॉर्मेटिंग, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिख कर क्या रहा है, फॉर्मेटिंग यूजर डाटा डन, मतलब हमारा यूजर डाटा फॉर्मेट हो चुका है। अब वो कहता है वुड यू लाइक टू एफ आर पी रीसेट, मतलब आप एफ आर पी भी तोड़ना चाहते हैं? तो हमने कहा हाँ, हेलो, इसने एफ आर पी को भी तोड़ दिया। तो हमने क्या किया कि जैसे आपने देखा कि मैंने इस मोबाइल फ़ोन को रीसेट कर दिया, फॉर्मेट कर दिया। अब इस मोबाइल फ़ोन को आप क्या करेंगे, मैं आपके सामने ये फ़ोन है इसे चालू करके दिखाता हूँ। डाटा केबल को हमने हटा दिया, डाटा केबल हटाने के बाद फिर हमने बैटरी लगाई, बैटरी लगाने के बाद फ़ोन को हमने क्या करना है, चालू किया। ये देखिए आपका मोबाइल फ़ोन चालू हो गया। इस सॉफ्टवेयर टूल्स के द्वारा किसी भी मोबाइल फ़ोन का लॉक खोलना बहुत बेहद आसान है कि 2 मिनट में पलक झपकते ही लॉक खोल देता है। बस आपको उसका ट्रिक सीखना है, उसका तरीका सीखना है कि किस तरीके से फॉर्मेट किया जाता है। आप देखिए ये हमारा मोबाइल फ़ोन फॉर्मेट हो गया है, फिर से रिस्टार्ट होगा, चालू होगा, बिल्कुल फ़ोन नए की तरह बिहेवियर करेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट वाईफाई सेलेक्ट कराएगा, ये सब चीज़ें होंगी और आपका फ़ोन पूरा स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको देखो पूरा ऑटो रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर फॉर्मेट होते समय जब आपका फ़ोन चालू होता है थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक का समय लग सकता है, क्योंकि उस समय पर फ़ोन फॉर्मेट हो चुका होता है। जितनी भी सारी फाइलें होती हैं, सारी फाइलें सीक्वेंस में लगती हैं और फ़ोन आपका चालू हो जाता है। फ़ोन को फॉर्मेट हम 5-6 कंडीशनों में करते हैं। पहली बात, यदि हमारे फ़ोन के अंदर लॉक लगा हो तो भी हम फ़ोन को फॉर्मेट करते हैं, पैटर्न लॉक लगा हो तो भी फ़ोन को फॉर्मेट करते हैं, फिंगर फेस लॉक लगा हो तो भी फ़ोन को फॉर्मेट करते हैं, FRP लॉक लगा है तो FRP रीसेट या फ़ोन को फॉर्मेट करते हैं, या फ़ोन लोगों पे खड़ा हो जाए तो भी एक बार फॉर्मेट करके देख लेते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन का ना बहुत ज़्यादा डाटा भर जाता है, जब डाटा भर जाता है तो फिर प्रॉब्लम आती है कि हमारा फ़ोन सही तरीके से चालू नहीं हो पाता। जब सही तरीके से चालू नहीं हो पाएगा तो हम फ़ोन को क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे। कैसे फॉर्मेट करेंगे हम, उसका तरीका हम स्टेप बाई स्टेप सीखेंगे, क्या तरीका रहता है उसको कैसे करेंगे, ये सभी चीज़ें स्टेप बाई स्टेप हम लोग इसमें सीखेंगे। जब फ़ोन फॉर्मेट हो रहा है हम लोग इसका वेट करेंगे, थोड़ा सा समय लगता है, 2 मिनट 5 मिनट तक का समय लग सकता है। मैंने आपको बताया आपका फ़ोन चालू हो रहा है, वीडियो को हम स्किप नहीं करते ताकि हम चाहते हैं कि आपको पूरी नॉलेज मिले, कि ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम आए जो आपको न समझ में आए। कोई भी दिक्कत आती है तो मेरा वही नंबर है 6391711711, उस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, समस्या चाहे हार्डवेयर से हो चाहे सॉफ्टवेयर से हो, कोई भी समस्या हो सारी समस्या को सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं, मुझसे हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत समय लगता है, मतलब मैंने आपको बताया 2 मिनट से 5 मिनट तक का समय अब लग जाता है, जिससे आपका फ़ोन, क्योंकि फ़ोन आपका पूरा रीसेट हो चुका है। तो जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी समस्या आती है तो सारी समस्या को आप क्या करेंगे, सीखते हैं। देखिए मैं आपको UMTI के, जब तक चले फॉर्मेट होता है, मैं आपको UMTI के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। सर को इधर करिए कि जैसे मान लिया आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन में क्या करना है,
कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे कि जैसे मैं कहता हूँ आपको फ़ोन को फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट करने के लिए आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आप फॉर्मेट FS को सिलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे, आपका फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास कोई फ़ोन आ जाता है जो वीवो का फ़ोन होता है तो आप क्या करेंगे, वीवो को सेलेक्ट करेंगे फिर और एग्जीक्यूट कर देंगे, आपका फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर आप कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है उस मोबाइल फ़ोन के अंदर खाली आप FRP ही तोड़नी है तो FRP तोड़ने के लिए आप यहाँ पर रीसेट FRP पे क्लिक कर देंगे तो आपका FRP क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। बहुत ऐसे फ़ोन आते हैं जो 6.0 वर्जन से नीचे होते हैं, जैसे ओप्पो A33 A37 वगैरह फ़ोन हो गए, आप यहाँ पर जाकर के रीड पैटर्न को कर सकते हैं। रीड पैटर्न करने से क्या होगा, वो ये बता देगा इसके अंदर पासवर्ड कौन सा लगा हुआ है, मतलब पैटर्न क्या लगा हुआ है, सारी बातें ये बता देगा। उसके बाद आपका ये ऑप्शन आता है रीड फर्मवेयर। रीड फर्मवेयर पर करने का मतलब ये रहता है कि ये क्या काम करेगा, जो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो फाइल होती है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लैश फाइल, जो नेट से डाउनलोड करते हैं 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB की फाइलें होती हैं, तो वो फाइल को क्या कर देता है, ये फाइल को ओपन कर देता है। फाइल ओपन करने का मतलब समझ रहे हैं क्या करना है, जैसे हमने फ़ोन को कनेक्ट कराया तो ये क्या काम करेगा, जो भी फ़ोन के अंदर फाइल लगी है तो उस फाइल को कॉपी कर लेगा, मतलब फाइल को रीड कर लेगा। फाइल रीड करने से ये रहेगा कि वो फाइल आ करके आपके डेस्कटॉप में या UMT फोल्डर के अंदर कहीं भी जा करके वो सेव हो जाएगी, जा करके उस फाइल को आपको लेना है और फिर से किसी जो दूसरा फ़ोन जो डेड फ़ोन होता है उस डेड फ़ोन में जा करके उस फाइल को आप चढ़ा सकते हैं। इससे ये रहेगा कि आपका मोबाइल फ़ोन की जो फ्लैश फाइल नहीं मिल रही थी वो अपने फ्लैश फाइल को डाउनलोड करके बिना ही आपने ऐसे कर दिया। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि आपको 2 GB का डाटा बर्बाद नहीं होगा। दूसरी बात, आपको किसी फ़ोन के चलते हुए फ़ोन की फ़ाइल मिल जाएगी। नेट पे भी जो फाइलें आती हैं वो फाइल कोई ऐसा तो होता नहीं है कि जो घर से बना कर डाले, ये भी फाइलें लोग क्या काम करते हैं, फ़ोनों से दूसरे फ़ोनों से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद नेट पे अपलोड कर देते हैं। और हम लोग साइट पे जाते हैं और साइट पे जाने के बाद जो मोबाइल फ़ोन होता है उस मोबाइल फ़ोन के वर्जन को फाइल को डाउनलोड करते हैं और फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जैसे वो लोग अपलोड करते हैं, अगर हमारे पास सेम फ़ोन आ जाता है तो हम लोग भी उसको कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर ब्रांड सिलेक्शन का ऑप्शन आता है कि जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे मोबाइल फ़ोन में ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हो। कैसे ब्रांड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए MI का फ़ोन आ गया या मान लीजिए आपके पास Itel का फ़ोन आ गया, अब Itel पे आपने क्लिक किया, Itel के बाद क्लिक करने के बाद फिर आप Itel को क्या करेंगे, इसमें जाएंगे देखो A22 A42 यस 42 करके देखो ये मैसेज आ रहा है ना। तो ये तीन मोबाइल फ़ोन जो आते हैं क्वालीकॉम के होते हैं। अब उसके बाद आपके पास मान लिया वीवो का फ़ोन आ गया तो आप क्या करेंगे, वीवो का ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। वीवो ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए वीवो को तो बहुत सारे मॉडल आ रहे हैं, तो 2017 हो गया, 17 प्रो हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, ये जितने भी सारे मॉडल हैं सारे मॉडल दिए हुए हैं। सारे मॉडल में क्या करेंगे, जो मॉडल आ जाएगा उस मॉडल को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सेलेक्ट कर लेंगे तो आप उस फ़ोन के अंदर लॉक अनलॉक कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं या कुछ भी कैसा काम करना चाहें सारे काम आप कर सकते हैं। तो देखा कि जैसा कि मैंने वीडियो को स्टॉप किया था, अब मैंने वीडियो को फिर चालू कर दिया है, आप देख रहे होंगे फ़ोन हमारा चालू हो गया। चालू होने के बाद आप इस फ़ोन में देखेंगे हमने नेक्स्ट किया, आगे हो गए, फिर हमने इंग्लिश हिंदी जो भी सिलेक्ट करना सिलेक्ट किया, जो अपने देश की भाषा है हमने इंडिया को सिलेक्ट किया। अब इसकी प्रॉपर सेटिंग हो जाएगी। और दूसरी बात क्या था, मैं जो भी वीडियो डालता हूँ आपको थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा आधा घंटे तक का वीडियो होता है। इसलिए वीडियो होता है ताकि हम चाहते हैं कोई, हम आपको जादू नहीं दिखाना चाहते कि हमने पलक झपकते जादू कर दिया बस फ़ोन ठीक हो गया, ऐसा कोई मेरे पास जादू नहीं है। हम आपको एक पूरा तरीका सिखाते हैं, उस तरीक़े को पूरा कंप्लीट करके दिखाते हैं, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा मैंने सिखा दिया फिर कोई दिक्कत नहीं है।
अब हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया है। सेटअप कंप्लीट होने के बाद आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद तो हमको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए, ये हम गॉट इट, ये हमारा पूरा मोबाइल फोन चालू हो गया। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन था, इस मोबाइल फ़ोन को हमने क्या कर दिया, अनलॉक कर दिया है। पासवर्ड टूट गया है, पूरा फ़ोन हमारा सही चलने लगा है। अगर फ़ोन लोगों पर खड़ा हो जाता है तो भी हम ये काम करके देखते हैं, फॉर्मेट करके देखते हैं, तो हमारा क्या होता है, अंदर ज़्यादा यूजर का डाटा बच जाता है तो हम उसे फॉर्मेट कर देंगे तो फ़ोन हमारा प्रॉपर तरीके से चलने लगता है। तो जैसा कि दोस्तों आज आप सब लोगों ने सीखा कि किस तरीके से डोंगल के द्वारा, टूल्स के द्वारा हम सारे मोबाइल फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। तो ये एक हमारा छोटा सा डोंगल आता है, की आता है, इस की के द्वारा जो भी मोबाइल फ़ोन होते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन के अंदर के पासवर्ड को आप आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। तो जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने दुकान चला रहे हैं, शॉप कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, या सीख चुके हैं, या कहीं और से सीख चुके हैं, या ट्रेनिंग ले चुके हैं, उसके बावजूद भी उनको समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सिंगल कॉल करके आप छोटी सी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से डोंगल घर बैठे आप आसानी से मंगवा सकते हैं। कोरियर सर्विस अवेलेबल है कि आपको सारा सामान मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपको कोई भी मशीन चाहिए, चाहे हॉटगन हो, चाहे डीसी सप्लाई मशीन हो, पावर सप्लाई मशीन हो, 2 एम्पीयर से लेकर 5 एम्पीयर तक की मशीन हो गई, या OCA मशीन हो गई, या कोई भी सॉफ्टवेयर संबंधित कोई टूल्स हो गया, कोई मल्टीमीटर हो गया, या कोई छोटा मोटा आयरन चिमटी, ऐसा कोई टूल्स हो गया, तो कोई भी ऐसा सामान चाहिए तो आप अपना सामान को मंगा सकते हैं और अच्छे से काम करें। मेरी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे एक सिंगल कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।